और ये है भाई मंडवा। और आज हमारे पहाड़ों में ना मंडवे की जो खेती है वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त अनाज था और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक गुणकारी है। लेकिन यहाँ पे अभी ये मंडवा हरा है, कुछ खेतों में तो मंडवा हो चुका है। और ये है भाई तुअर की दाल, ये देखिए तुअर की दाल, देखिए कितनी शानदार है, बढ़िया है, सभी फूल लगे हैं और ये इन पर हल्के हल्के ये दाने लगने भी शुरू हो चुके हैं। और मैं जा रहा हूँ भाई अभी खेत की तरफ, क्योंकि वहाँ पे ना चाची जी कर रही हैं कुछ काम, तो उनको लेके जा रहा हूँ मैं ये पानी की बोतल। और देखिए यहाँ बीच में ना ये बड़े बड़े पेड़ हैं, बांस के पेड़ हैं इस तरफ, और रास्ता जाता है सरबट इन पेड़ों के अंदर से। तो दोस्तों ये निकाला है भट्ट, इसके दाने दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये हरे वाले भट्ट हैं, वैसे ये काले होते हैं, भट्ट होते हैं काले, लेकिन ये हरे वाले हैं। और यहाँ पे ना सारे खेत ये बांस के पेड़ों से घिरे हुए हैं इस तरफ। और यहाँ पे देखो भाई, ये देखो तुअर की दाल लगनी इसमें शुरू हो गई है, और अभी टाइम लगेगा इस पर, बहुत टाइम लगो दगड़ियो अभी ना, क्योंकि तुअर दाल तो अभी यूँ 15-20 दिन बाद तैयार हुई लगभग बगोयों बाद। और मैं आपने देखो ना ये साइड खेत में हमारा जो पुंगड़ा माँ जो यख और भी बहुत सारा कुछ बुतियों हमारा पुंगड़ा में, ये तो भाई भट्ट ये दिखने वाला आप लोग, ये जो भट्ट और ये भी बन दाल, और ये देखा ये सूंटा, सूंटा और सूंटा ना सबसे बढ़िया बात कहते कि आप सूंटा ना हम यन करके आइए कच्चा भी खा सकते, बहुत बढ़िया टेस्ट आने। और ये बेहतर ना मैं आपने दाना देख, हरे हरे दाना हन और यू बहुत टेस्टी हन सूटे की दाल। और ये चेसा भी बन और पटोड़ा भी बन और गोद बुती दिखाइयो, और गोद ना आजकल लगनो बैठी की देखा बहुत ज़्यादा ये गोद लगी। और जो ये दाल है नी बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट दाल बन गहते गए, और देखा कति ज़्यादा गोद लगी एक में, और पूरा खेत में ना एक गोथ गोथ हुई एक बे और पार वक्त तक। और आजकल ये असू जगह में ना धान एक तो फसल काटिंग मतलब साटी थी तो खाली हुई, आजकल लोग अब हौल लाने और ये तरफ चलने जो सूंटा भट्ट सोयाबीन वे दाल लोग आजकल निकालने और घर में लेके हुए सुकन और फिर तपे के हुएगी कुटाई हुई फिर एक दाना निकाला जाना। भाई आप मिल लेके जाने ये दाल पुंगड़ा बटन घर, और चाची जी लेके आपने क्या घास नहीं काट दिल सबसे बड़ी बात कैसे दगड़ी आजकल ना कि गाँव में लोग अब धीरे धीरे कम हुए, गाँव में जो सिर्फ बुजुर्ग लोग थे ना सिर्फ बुजुर्ग लोग अब घरों में रहे हैं। जंगल से यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, अपने बच्चे दिखाता हूँ, देखिए कितनी उछल कूद कर रही भाई, वो एकदम डर रही हूँ मुझसे ना। ले 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 फू 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 कर रही हो, मार मार भाई, ये तो मैं मानो नहीं हो, ये बात हो कुतर फूपे अटकोने बॉल में माने तो डन इज ना डर रहा भाई, डर रहा है क्योंकि इसके साथ ना चाची ही रहती है, तो मरने का डर रहा है उसको। रे 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 डर रहा उसको, ज्यादा डराना ठीक नहीं है, पता लग रहा कि चित्त हो गया बेचारा। बातचीत
डाल। तो बहुत डर लग रहा है बछड़े को। लेकिन हुआ बिल्कुल खरगोश की तरह एकदम। देखो उसकी माँ भी मुझे मारने आ रही है। आजकल ना ची की जो आवाज आ रही है ना, मैं उस कीड़े को आपको दिखाता हूँ। वो कीड़ा होता कैसा है उसको देखो ना, एकदम राक्षस होता है। वो राक्षस उसको देख के ना आपको डर लग जाएगा। जी कैसा है दिख रहा आपको? ये होता वो कीड़ा। अब मैं दिखाता हूँ भाई आपको छत में यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। एक तो ये देखो ना, ये है अखरोट। कुछ अखरोट थे आजकल, ये अखरोट निकाले हैं, सिर्फ सुखाने के लिए रखे हैं। और ये देखिए चाची जी कर रही है यहाँ पे। देखो भाई चेस माननी, ये जो सूटा सूटा माननी चेस ना। अभी देखो मैं आपको सूटा दाव देखो ना, ये देखो क्या बढ़िया दाव थी। देखो ना ये तो सूटा दिखाई, देखो बहुत बढ़िया दाव। ये देखो तो आजकल ना घर में सूटा एक दाल होगी और बहुत सारा और भी चीज। और ये देखा ये तो सूटा था। और ये साइड में आपने देखो तो ये तो सब भट जो अगर हम पोंड़ भी लाए ना, तो वो यो अब छत में लेके ना आजकल यो घाम में सुकन। और फिर जब सुकन ना तो वो एक बार फिर ये कूट के और फिर एक भीतर बे इनके हम भट निकालूल। और वे साइड में रखे हमारा कोदा। अब मैं आप तो मंडवा देखूल, कोदा मंडवा बहुत नाव से यहाँ तक बन हम। तो ये देखो भाई आजकल ये तो भाई मंडवा जब हम पोंड़ा बटन ये काट के लिए ना, तो वो एक बाद एक ढेर लगाई जन और फिर एक मंडाई हुई। कुछ लोग तो ये बल्दू ने मानन और कुछ लोग ये डंडे में कूट के फिर एक दाना अलग करी जन। आजकल पुंगड़ा बटन खेतों बटन जति भी नाज हो ना, तो नाजे जब हम कुटाई कर लेन सुखाई तपाई कर लेन, वे एक बार इन कटौन भर के ये स्टोर करे जोन। और ये खे हम वन भकार। और आप अगर वक आप अगर इलाका में ये इतने क्या बन आप जरूर कमेंट करके जरूर हमते बताएं। और ये जो भकार ये देखा ये लकड़ी के वन। अभी मैं जाने आपको घर पर ट्रेन जो हमारा भाभी लोग भाई साहब घर से वक में जाने अभी। और उनार जो भैंस है ना, वो भैंस ब्याई चुना रे और एक एक बछड़ा हुई हुई मतलब एक थोरो बन हमारा वक है। तो मैं आपने दिखोला। और आजकल गांव में ना सबसे बड़ी बात क्या थी कि गांव में आप धीरे धीरे लोग कम हुई। और हमारा घर गांव में आजकल सिर्फ जो बुज़ुर्ग लोग थे ना बुज़ुर्ग लोग रहे हैं, और बाकी जितनी भी युवा पीढ़ी च और बच्चा च और बुआरी च कोई भी पहाड़ बनी च सब लोग देहरादून या शहरों में जाके रहे हैं। और सिर्फ पहाड़ में सिर्फ बुज़ुर्ग लोग और खेती बाड़ी सिर्फ बुज़ुर्ग लोगों करी। और जब तक बुज़ुर्ग लोग रल ना तब तक पूरा आबाद रल पहाड़ में। और जन यूँ धीरे धीरे बुज़ुर्ग लोग अब नहीं कर सकल तो हमारे पहाड़ के जो खेती बाड़ी ना वो पनी लगातार अब बांझ अपन हुए। बड़ी बात क्या कि जो हमारे लोग देहरादून और शहरों में ना तनते तो खाने तो पहाड़ी की दाल और यख समोण चणी काकड़ी चणी लौकी तुमड़ा सब गाँव बटन ले आने। लेकिन रोण तो उन देहरादून चणी आ लेकिन घर में हल्का हो भाई उस चीज़ आप भी समझा। गाँव में तब कोई रोया छो नहीं और जो ये खेती करल और उनते समोड़ दियल। तो ये चीज़ भाई मेरी कुछ बातें जरूर आपते बुरी लगी हुई ली लेकिन सच्चाई सी बात में। देखो भाई बटो यन चुमर अभी हुई कि ब्याखुली की टाइम हुई और घाम भी धार में चलेगी। अब थोड़ा देर बाद भी डूबण बहुत और मैं सरबट आपते लेके जाने हूँ और मैं आज कल ना पहाड़ का जो बाटा से गाँव का बाटा घाटा
वी हाल तो आप देख ही सकते कि यमुना बाटा हमारा गाँव में और सब कच्चा बाटा चो मतलब इनमें ना तो खड़िंजा मिलियो और ना तो सीसी मार्ग छ। तो दीदा जी हाई करा आप सबते हाई। और सुनो बहुत बहुत बधाई आपते आज क्यों? नया मेहमान आए घर में तो पार्टी पुर्टी हुई फिर आज क्या रखे हुए आई कुछ नहीं करियो ले ये बोबे ने तो उन तो नहीं दियो मिलो को जाए जो अरे मु यार या भान में खेल ले रे पता नहीं यार लापता छु मु तो यो नहीं जी भाई देखो ना एक महमा भाई साहब निकलना चाहिए लाखड़ा क्योंकि आप ब्याकोली के टाइम हुई थे और आग जरूरत ही नहीं बहुत जरूरत क्षमते और अभी वो ढूंढने भाई भाभी जी क्योंकि भाभी जी बिना भाई साहब ते बता के कह गए भाई भाभी जी पता नहीं यार कहाँ गए भगवान तुम्हें कुछ नहीं बताए ना हो हाँ कहीं जाए तो यहाँ तो नहीं कोई कहीं तो नहीं चले जाते ना ना कहीं नहीं जाएंगे वो ये फिर कहाँ अच्छा तो भाई ये देखो भाई भी नहीं करे यार खैर और कुछ भाई साहब हमारे व्याकुल होगी क्योंकि उनते बोझ नहीं दिखने और भाई साहब होगी परेशान और घाम देखा भाई ठीक धार में चलेगा डुबुण बोझ घाम और भाई साहब दे अब मिल के जाने उनार घर में और आपते दिखाने वो नया मेहमान यू भी धीरे धीरे अब पहाड़ बटिन गायब हो क्योंकि घर में तो लोग रह छो नहीं अब भैंस की पाओ भाई सबसे बड़ी बात तो यू और घास की काटो सब लोग तो चले आते रहे हैं लेकिन हमारा भाई साहब देखा आप क्या मेहनत करी उन्होंने और अब मैं आप उनार घर में लेके मैं आपते जाने और ये देखा दाल देखा भाई साहब ये था ना पूरी दाल एक सुखाई और यूज भाई कड़वा करेला ये देखो सबसे बढ़िया चीज़ मैं आपते देखो ना ये जो करेला लेकिन यूँ कम कम लगे लगे तो छेज मगर कम लगे और ये जो भाई मैं उनारा घर में ये जो भैंस दीदा कभी भैंस रख रहे हैं यो भैंस तो भाई भैर में बांधी उन्होंने और यो भैंस ये है ये है भाई दो भैंस है और एक जो नया बच्चा है ना उसका बच्चा थुरी अब मैं थुरी दिखो लापते ये दिखो लेकिन यहाँ ना अंधेरा है मैं आपको थोड़ा लाइट ऑन करके दिखाता हूँ चिट्टी थुरी दिखा ये दिखा ये आज हुई ना भाई जी आज दिन में ना 10-11 बजे टाइम पे ये थोरी हुई उन्हें देखो कति स्वाणी स्वाणी माणी माणी थोरी अरे वाह 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 खड़ा उठ गया ये देखो भाई ये है तो लाइट कम छो ना भेजी एक मो तो ये कारण मैं आपते इतनी बढ़िया नहीं दिखोने तो ये है थोरी देखा ये आज सुबह हुई ये थोरी और यू बनल बाद में नया भैंस एक मो रखी भाई साहब यू सिलवटा ये काम हन जब मसाला पीसी जान क्या बनोने आप चावल तो भी लियो खुद चावल भाई ये जो भाई साहब कमरा किचन और किचन में आप उन्होंने आग जले और सबसे बड़ी बात क्या दगड़ियों की भाई बहुत खुशी की बात है कि हमारे भाई साहब आगे एक नई थ्योरी हुई क्योंकि पहाड़ में तो गांव में तो कुछ लोग रहे नहीं और भैंस पालन अपना बहुत मेहनत काम छ और भाई साहब तो हम धन्यवाद दुल भाई के ना दुई भैंस रखे जी आज और नया भैंस और फिग मतलब तीन फिग और साथ ही साथ भाई भाई साहब का बाकर भी रखे हैं दीदा बाकर का दीजिए हैं हाँ लगभग 24-25 बाकर यार छोटा चने का हुई वाह 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 चलो भाई अब आप तभी एक नई खबर दिखो ना और आप तभी क्या आज एक नई चेनी की बीच ये देखो बाखर देखो मैं आते हैं ये देखो भाई साहब बाखर या ये देखो ये भाई भाई साहब बाखर ना रंग बिरंगा करके स्वाणा मोणा और बहुत बड़ो कमरा भाई दे दो आई देखो ये छोटे से चिनी की ना ये शायद आज हो भी यो तो दिन पहली हुई यार यो नहीं आज हो रखा ये भी आज हुई अरे वाह ये भी हुई नया चिनी का ये माँ कहता यू अच्छा तू ये माँ दे रखो चेंज ना तुम वो मारा नहीं हुए अच्छा ये चुई माँ वो रख देना अच्छा और ये देखो भाई ये चलता है इसको भेज दिया उसकी माँ के पास ये देखो तो ये भाई भाई साहब मेहनत दिख रहे दिखने वाला आप ये हैं कर्मठ किसान
दगड़ियों टाइम भी अभी काफ़ी हुएगा, तो आज अगर ब्लॉग भी बहुत लंबा हुएगा और ये ब्लॉग में ये देखिए बातचीत, फिर मिलूला नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। तब तक जय हिंद, जय उत्तराखंड।